हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिकेशन प्रोसीजर। इसमें हम वो सब स्टेज देखेंगे जो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक चीज़ें होती हैं एक कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लेट्स की, एंगल या चैनल। ठीक है, तो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं 250, 350, 410 ग्रेड का मटेरियल है। सिमिलरली हम ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, 250 B0 BR, ऐसे ही चैनल। ठीक है, रॉ मटेरियल रिसीव होने के बाद क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन होगा, क्लाइंट को मेल करके बुलाया जाएगा कि हमारा, हमने आपका मटेरियल रिसीव कर लिया है आपके प्रोजेक्ट के लिए, कृपया आप आएँ और इंस्पेक्शन करें। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इनवॉइस, TC, ये डॉक्यूमेंट रहते हैं, हमें ये अपने साथ रखने होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। TC मतलब टेस्ट सर्टिफिकेट। जब इंस्पेक्टर आता है, इनवॉइस TC वेरीफाई करता है, फिर वो सैम्पलिंग के लिए 2 पीस देता है हर इंडिविजुअल प्लेट से, एंगल से या ISMC से, 2-2 पीस। और प्लेट्स में होता है हीट नंबर, प्लेट नंबर, एक होता है बैच नंबर। सिमिलरली इनमें, वो टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। जब वो तो सैंपल निकाल लेता है, उसको भेजा जाता है अप्रूव्ड NABL लैब में। लैब में वो टेस्ट होते हैं हमारे केमिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट। जब टेस्ट रिपोर्ट आती है, ओके, अगर हमारी टेस्ट रिपोर्ट ओके आती है तो ही हम उसको यूज़ करेंगे फैब्रिकेशन में, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर जो रिपोर्ट्स आती हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स आती है, उसको हम एक रेफरेंस कोड है IS 2062 फॉर हॉट रोल्ड हाई टेंसाइल मीडियम स्टील प्लेट्स के लिए। तो ये है मैकेनिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, उससे इसे कंपेयर करेंगे, वो सारे स्टैंडर्ड्स उसमें देखेंगे जो हमने टेस्ट के लिए भेजे थे। अगर उनके अंदर वेरी कर रही हैं चीज़ें तो ही हम उसको मटेरियल को पास करेंगे। फिर आता है जब मटेरियल सब चीज़ें ओके हो जाती है, रिपोर्ट्स, तो हम करते हैं कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जो हमें कंपोनेंट चाहिए होता है उसके लिए हम एक कटिंग लेआउट बनाते हैं, उसको फिर उस प्लेट से वो कंपोनेंट का डायमेंशन के थ्रू उसे कट करते हैं। उसके बाद आता है फिटअप। फिटअप में क्या होता है, जो हमने डायमेंशन कंपोनेंट के लिए प्लेट कट की है उसको हम जोड़ते हैं। ये एग्जांपल है IBM का, उसमें एक टॉप फ्लेंज है, एक वेब है, एक बॉटम फ्लेंज है। जब फिटअप हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग एक अलग से ही बहुत बड़ा टॉपिक है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसीजर में, फैब्रिकेशन में जो हम ब्रिजेस में यूज़ करते हैं मेजरली, हम मिग वेल्डिंग, एसिड ब्लू वेल्डिंग, और स्ट्रक्चर के लिए हम इलेक्ट्रोड वेल्डिंग यूज़ कर लेते हैं। मेजरली हम मिग और एसिड ब्लू वेल्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम वेल्डिंग जो यूज़ वेल्डिंग स्टेप में यहाँ पे वेल्डिंग कंज्यूमेबल सिलेक्शन करते हैं, किस ग्रेड के लिए कौन सा वेल्डिंग कंज्यूमेबल आएगा वो हम सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद वेल्डिंग कंज्यूमेबल का इंस्पेक्शन कराते हैं क्लाइंट को, वो अपना बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और उसका TC से वेरीफाई करता है, रेफरेंस से, रेफरेंस कोड से, वो आगे बताऊंगा। और उसके बाद वो 2 टेस्ट कूपन लगते हैं, उसमें अपना कंज्यूमेबल का वेरीफिकेशन होता है, टेस्टिंग होती है, और उसी के साथ साथ वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है, PQR। अगर वो सब चीज़ सही हो जाती है तो हमारा वेल्डर भी क्लियर हो जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। वो सब होने के बाद जब वेल्डिंग हो जाती है कंपोनेंट में, उसके बाद आता है LPI लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन। उसमें क्या होता है, हम वेल्डिंग के ऊपर LPI टेस्ट करते हैं। उस LPI टेस्ट में जितने भी हमारे पिन होल्स, स्पैटर, सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं, सारे विजुअल हो जाते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कराते हैं। उसके बाद हम करते हैं फाइनल डायमेंशन। जब चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती हैं, वेल्डिंग सब रेक्टिफाई होती है, तो फाइनल डायमेंशन करते हैं। फाइनल डायमेंशन में हम जो कंपोनेंट हमने बनाया था एज पर ड्राइंग के हिसाब से, फाइनल डायमेंशन में उसको मार्किंग करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। कट करने के बाद हम मैक्रो एचिंग करेंगे। मैक्रो एचिंग टेस्ट होगा,
उसमें क्या होता है, जो हमारा वेल्डिंग किया होता है, जो हमने यहाँ वेल्डिंग किया आई बीम के साथ, उसमें हम ये देखते हैं जो वेल्ड हुआ है वो बेस मेटल और मतलब जिस जॉइंट दो प्लेट का जो प्लेट जॉइंट हो रही है वेल्डिंग के थ्रू, उसको उसमें हम देखते हैं कितना वेल्ड पेनिट्रेट हुआ। तो उसका भी एक रेफरेंस होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ग्रेटर देन 2 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेनिट्रेशन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम तभी एक्सेप्ट करेंगे उसको आगे जॉब के लिए, नहीं तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे या रेक्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आता है असेंबली, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हम उसको असेंबल करते हैं, सारे कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। उसके बाद एक इंस्पेक्शन के लिए कॉल जाती है, फिर उसका क्लाइंट इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन क्लियर होने के बाद पेंटिंग होता है, पेंट होने के बाद उसमें पेंटिंग के लिए फिर से इंस्पेक्शन कॉल जाती है। इंस्पेक्शन कॉल जाने के बाद इंस्पेक्टर आके उसको वेरीफाई करता है, DFT वेरीफाई होती है, सरफेस एडेशन टेस्ट होता है, सरफेस प्रिपरेशन चेक होता है, ब्लास्टिंग चेक होती है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। उसके क्लियर होने के बाद होता है PDI, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। इसमें हम अपने ऐसे इंटरनल चेक करते हैं कुछ डिफेक्ट रह नहीं गया है, और उसके बाद फाइनल आता है डिस्पैच। तो ये स्टेप्स हैं सारे जो एक ब्रिज ब्रिज के कंपोनेंट कह लो या ब्रिज बनाने के लिए यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ आया होगा। अगर आपकी जो भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको अलग से ना इसमें इंस्पेक्शन का वीडियो बताऊंगा, क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं, पेंटिंग में क्या चेक होता है, LPI का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं, और ये सब बताऊंगा। IS 2062 से मैकेनिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, TC से कैसे कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। एंड कोई भी आपको सजेशन हो कि मेरे को कुछ चेंजेस करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।